चतरा के तिलकुट की खुशबू से महक रही है बिहार समेत अन्य राज्यों की फिजा। वैसे तो अपने देश में धार्मिक दृष्टिकोण से अनेकों पर्व मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, किंतु इनमें मकर संक्रांति के त्योहार की अपनी एक विशिष्ट व अलग ही पहचान है। आइए देखते हैं यह खास खबर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चतरा जिले में सजे दर्जनों अस्थायी तिलकुट के दुकानों की, जहां पर्व की आहट के साथ ही तिलकुट के बाजार गुलजार हो रहे हैं और डिमांड इस कदर बढ़ती जा रही है कि दुकानदार इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जब तिलकुट की बात उठ ही गई है तो आज हम आपको यह भी बताना चाह रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, अगर हम यूं कहें कि चतरा के तिलकुट की खुशबू से बिहार समेत अन्य राज्यों के बाजार में महक रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चतरा के एक पुराने सामाजिक कार्यकर्ता अरुण यादव कहते हैं कि एक दौर था जब तिलकुट की बात हो तो लोगों को बिहार का गया याद आ जाता था, यानी गया के बने तिलकुट के बिना लोग एक पल नहीं रह पाते थे, किंतु आज बिहार की फिजा में चतरा निर्मित तिलकुटों के स्वाद ने बहार ला दिया है। दरअसल चतरा के तिलकुट व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों व कारीगरों द्वारा एक लंबे अरसे से उनकी अथक मेहनत द्वारा तैयार किए जा रहे तिलकुटों में शामिल चीनी, गुड़ व खोवा आदि व्यंजन से बने जबरदस्त उत्तम क्वालिटी के स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किए जा रहे हैं। दुकानदार पप्पू कश्यप बताते हैं कि हमारे मेहनत ने रंग इस कदर दिखाई है कि अब हमारे तिलकुट की मांग दूसरे जिलों के साथ साथ बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी होने लगी है। इससे चतरा में तिलकुट का कारोबार न सिर्फ फल फूल रहा है बल्कि यह एक उद्योग का भी रूप ले रहा है। इधर दुकानों में दिन रात काम कर रहे तिलकुट बनाने वाले कारीगर आदित्य प्रसाद व भास्कर प्रसाद बताते हैं कि तिलकुट की मांग को देखते हुए विगत 4 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। कहते हैं कि अब बहुत दूर दूर तक चतरा के तिलकुटों की मांग होने लगी है और वह अपनी मेहनताना से अच्छी कमाई कर अपने परिवार का भी ठीक से भरण पोषण कर काफ़ी खुश हैं। यह तो सर्वविदित है कि तिलकुट का नाम जहन में आते ही खासकर गया बिहार के तिलकुट की याद ताज़ा हो जाया करती थी, किंतु आज के दौर में जहां चतरा में तिलकुट का बाजार काफ़ी फल फूल रहा है, वहीं यह निर्मित तिल के व्यंजनों ने बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों के तिलकुटों मिठास को चौगुना कर दिया है। चतरा से शाह फहद अली की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग आज 2 महीना पहले से तैयारी करके रखे हैं। बहुत दूर दराज बहुत डिमांड है तिलकुट का। तिल का लड्डू है, खोवा का तिलकुट है, बहुत तरह का वैरायटी है। हम लोग स्वादिष्ट बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह झारखंड, बिहार, बंगाल, हर तरह जगह जाता है। बहुत तरह का इसका डिमांड है। पूरा दिन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और हम लोग को पैसा वगैरह भी अच्छे तरह से मिल जा रहा है।